ओम शांति। सच्ची दिल किसे कहा जाता है? दिल हमेशा सच्ची ही होती, दिल कभी झूठी नहीं होती। झूठा होता है नाम, पोस्ट, पोजीशन, दिल हमेशा सच्चा होता है। क्योंकि दिल आप जिसे कहते हो वो दिल नहीं है, दिल बुद्धि को कहा जाता है, और बुद्धि हमेशा सच्ची होती। इसलिए बाबा उसी के ऊपर राजी है। आपके चार डिपार्टमेंट वाले, फोर चेंबर वाले हार्ट के ऊपर राजी नहीं है, आपके दिल के ऊपर राजी। दिल आपकी सच्ची बुद्धि। तो बाबा हमेशा उसी के ऊपर राजी होता है जहां दिल सच्ची है। और आज विश्व में हर आत्मा की दिल सच्ची है, फिर उसका ड्रामा में पार्ट हो या ना हो। इसलिए विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर बाबा राजी है, किसी के ऊपर नाराजी नहीं दिखाना, हर किसी के ऊपर राजी है। इसलिए सच्ची दिल बस और बनानी है। जितनी दिल सच्ची बनती जाएगी, पहले से वो सच्ची है लेकिन परसेंटेज बढ़ाना है। जितना सच्ची दिल का परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतना बाप नजदीक आता जाएगा। इसलिए परमात्मा को नजदीक लाना है तो अपने दिल को सच्ची बनाओ। दिल को सच्ची बनाना यानी सबसे पहली बात, मैं कौन हूँ, मुझे से सच्चा यानी सत्य स्वरूप में आना। जो आत्मा स्वयं से सच्ची रहती है उसे सारा विश्व सच्चा रहता है। अभी विश्व हर एक आत्मा को, एक दूसरे को धोखा दे रहा है आपकी भाषा में, लेकिन वो धोखा नहीं है। आप ही आप से सच्चे नहीं हो, खुद ही खुद को धोखा दे रहे हो, इसलिए सारा विश्व आपको धोखा दे रहा है। जिस दिन आप अपने आप को धोखा देना बंद करोगे, मतलब अपने से सच्चाई से रहोगे, उस दिन से सारा विश्व आपसे सच्चाई से बर्ताव करेगा। तो अपने आप को चेक करो कि मैं अपने आप को कहाँ पर धोखा देता हूँ। क्या मैं अपने सत्य स्वरूप में हूँ? मैं जो हूँ उसमें स्थित होकर सारे व्यवहार करता हूँ, अपना जीवन व्यतीत करता हूँ? क्या मैं अपने दिल को सच्ची रखकर, खुद से सच्चा होकर इस ड्रामा से, बाबा के इस कार्य से, सारे विश्व की आत्माओं से सच्चा रहता हूँ? सच्चे दिल पर साहेब राजी। ये तो भक्ति मार्ग से आपने सुनी हुई बहुत सी बातें हैं कि ईश्वर भगवान हमेशा सच्चे दिल पर ही राजी होता है। कारण एक ही है, जो आत्मा अपने से सच्ची है वहां पर बाबा सच्चा होके रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा किसी से झूठा है। बाबा तो हर वक्त सच्चा है, लेकिन आपके और बाबा के बीच में झूठ का एक पर्दा है। वो तभी निकलेगा जब आप अपने आप से सच्चे बनेंगे। इसलिए पहले अपने आप से सच्चे बनो कि मैं कौन हूं। जब सच्चाई पकड़ में आएगी मैं वाली, तो सारा खेल पकड़ में आएगा। और जिसके पकड़ में सारा खेल आता है वो खेल का मास्टर बन जाता है। फिर उसको खेल खेलना नहीं पड़ता, वो खेल देखता रहता है, सबका कोच बन जाता है, सबको गाइड करता रहता है। इसलिए सच्ची दिल बनाओ पहले अपने प्रति कि मैं कौन हूँ। यही आपका सच्चा मैं आपकी यात्रा पूरी करेगा, आपको जीवन में सच्चा आनंद दिलाएगा। इसलिए अपने आप को चेक करो हर सेकंड, क्या मैं अपने आप से सच्चा हूँ? कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार के संकल्प चल रहे, किसी भी प्रकार के बोल निकल रहे, किसी भी प्रकार के कर्म हो रहे, ये एक अलग बात है। लेकिन ये सब होने के बावजूद
मैं अपने से कितना सच्चा हूँ, चेक कर। जब अपने आप को आप चेक करेंगे कि मैं कितना सच्चा हूँ, तो पता चलेगा कि मेरे अंदर सच्चाई कितनी भरी हुई है, और यही सच्चाई आपको आगे बढ़ाती जाएगी। क्योंकि सत्य को पाने के लिए सत्य में आना पड़ता है, और जो सत्य में आता है वही सत्य को पाता है। सत्य का दूसरा नाम है शिव। तो शिव को पाना है तो सत्य में आना पड़ेगा, मतलब मैं कौन हूं। जब तक आत्मा अपने सच्चाई में नहीं आती, तब तक परमात्मा को नहीं पा सकती। परमात्मा को पाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं को पाना सबसे बड़ी बात है। जिसने स्वयं को पाया उसने सब कुछ पाया। इसलिए सच्चे दिल बनाओ। कैसे बनेंगे सच्चे दिल वाले? पहले तो अपने सत्य स्वरूप में आएंगे, हर वक्त अपने आप को चेक करेंगे, क्या हर संकल्प बोल और कर्म मैं कर रहा हूं, या आप जिसे माया कहते हो, झूठी माया कहते हो, वो करा रहे हैं। जीवन में आपका हर सेकंड दो प्रकार से व्यतीत होता है, एक तो आप व्यतीत करते हो या दूसरा कोई और व्यतीत कराता है, और उसका बोझा भी आपके ऊपर आता है। तो इसलिए अपने आप को चेक करो, हर सेकंड कौन प्ले कर रहा है, सत्य या असत्य। और जैसे सत्यता में आकर प्ले करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि सच्ची दिल और गहरी दिल बनती जा रही, जिसके कारण बाबा आपके और नजदीक आता जा रहा है। परमात्मा अपने बच्चों से कहीं दूर नहीं, उनके पास ही है। बस दिल दिल जैसी है वैसे आपको दिखाई देगा, क्योंकि देखने के लिए दो आंखें हैं, लेकिन आप जिसे थर्ड आई कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, जिसे आप दिल कहते हैं, उससे भी देखा जाता है। वैसे तो दुनिया में तीन प्रकार से दृष्टि देते हैं, एक आंखों से, दूसरी दिमाग से, और तीसरे दिल से। और जिनकी दृष्टि दिल की होती है वो बहुत शुद्ध होते हैं, हमेशा सच्चे होते हैं। जिनकी बुद्धि, जिनकी दृष्टि दिमाग वाली होती है, वो तो कंपैरिजन वाले होते हैं, एक दूसरे को कंपैराइज करने वाले होते हैं। और जिनकी दृष्टि आंखों की होती है, वो तो दोनों से भी अलग होते हैं, ना कंपैरिजन है ना सच्ची दृष्टि है, बस दोनों से अलग है। तो अपने आप को चेक करो, आप अपने आप को, विश्व की सभी आत्माओं को कौन सी दृष्टि से देखते हैं, दिल, दिमाग या आंख? तो अगर दिल है तो सच्चा है, दिमाग है तो मिक्षारिटी है, आंख है तो झूठी है। तो चेक करो। इसलिए जैसे दिल से कारोबार शुरू होता है, जब दिल से कारोबार शुरू होता है तो कारोबार आबाद हो जाता है, फिर वो लौकिक हो, अलौकिक हो या पारलौकिक हो। सच्चे दिल बनाना बहुत आसान है, क्योंकि झूठे दिल बनाना एक समय पर बहुत कठिन है और हो भी नहीं सकता। अब अनुभव करके देखो, आज से एक संकल्प करो कि अपने आप को झूठा बनाना है, बनाना चाहो फिर भी नहीं बना सकते। संकल्प ये रखते हो कि मैं सच्चा नहीं हूं, इसलिए आप झूठे बनते जाते हो। आप सच्चे हो, अपने आप को याद दिलाओ आप हो, और जो हो वो याद दिलाने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार दिल सच्ची मन, पहले मैं कौन हूं, किसका हूं, कहां से आया हूं। जैसे दादी जी हमेशा तीन बार ओम शांति बोलते हैं, पहले मैं, दूसरा मेरा बाबा, तीसरा मेरा घर। वैसे ही सच्चे दिल मन, मैं आत्मा, मेरा पिता और मेरा स्थान, यही है सच्चे दिल। इस स्थानों में, आत्मा के स्थानों में, परमात्मा के स्थानों में, या अपने घर के स्थान, अपने आप को महसूस करना, यानी सच्चे दिल में रहकर दिल वाले यानी बाबा जो सच्चा दिल वाला है
उसके दिल में बैठ जाना। तो सच्चे दिल पर ही साहब राजी होता है। तो कुछ भी हो जाए, अपने आप को आपके सत्य स्वरूप में लाना, यानी अपनी दिल सच्ची बनाना। बाकी जो भी कर रहे हो वो झूठी दिल का सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। उसे न करके अपने आप को सच्ची दिल में लाओ, सत्य स्वरूप में आओ कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ का हूँ। सब कुछ अपने आप बदल जाएगा और सत्य ही सब कुछ है। ओम शांति।